नमस्कार, मु फादर लामेश्वर कहर। आज पवित्र धर्म ग्रंथर चारि अर्थ विषय मु व्याख्या करने जाऊँचे। आमे पवित्र धर्म ग्रंथ को चारटी अर्थ रे आमे बुझिपर। प्रथम व्याख्या हूँ आक्षरिक अर्थ, द्वितीय अर्थ हूँ प्रतिमात्मक अर्थ, तृतीय अर्थ हूँ नैतिक अर्थ एवं चतुर्थ अर्थ हूँ आध्यात्मिक अर्थ। यही चारि रकम अर्थ दे आमे पवित्र धर्म ग्रंथ को बुझिपर। तेणु विशेषकर जितेबले आम मैंने गोटे विषय को कहू से ही विषय को व्याख्या करूँ एवं से ही व्याख्या विषय को आम मैंने जितेबले अनुवाद करूँ ताहले आम मैंने प्रकृत व्याख्या करी थाउ जहाद्वारा आम मैंने से ही ग्रंथ को आम मैंने बुझी थाउ। से हीपरी भाव ही आम मैंने धर्म ग्रंथ को व्याख्या करी थाउ। यही धर्म ग्रंथ हूँ प्रभु निजे प्रकाश करी मनुष्य मानक जरिया रे आउ से ही मनुष्य माने ताहाकु लिपिबद्ध करी अछंती आउ से ही ग्रंथ को से ही लेखा को आम मैंने पढ़ी ताहाकु व्याख्या करी ताहाकु बुझिबा पाई आम मैंने चेष्टा करी थाउ। तेणु प्रथम पदक्षेप हूँ प्रथम अर्थ हूँ आक्षरिक अर्थ जहाँ व्याकरण हिसाब से भाषा हिसाब से ऐतिहासिक हिसाब से जहाँ घटी जाइए जहाँ लेखा जा प्रथम बुझा जमी जीशुख्रीट कहते मु द्राक्षलता आउ तुम मैंने शाखा अर्थात से हूँ मस्तक आम अंग प्रत्यंग। द्वितीय आम मैंने से ही अर्थ को बुझापाई आम मैंने प्रतीकात्मक अर्थ आम व्यवहार करने दरकार। प्रतीक गुड़िक आम मैंने अनेक समय प्रतीक गुड़िक व्यवहार करी थाउ। चिह्न गुड़ाक आम मैंने व्यवहार करी थाउ। से ही चिह्न गुड़िक आम मानक दर्शे थाए कड़े जावाई कौन बुझापी। रोमियो पांच चौदह आम मैंने पढ़ू आदम हूँ जीशुंकर प्रतीक आउ जहन दुई उन्नीस आम मैंने पढ़ुअु जे जेरुसलेम मंदिर हूँ प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर शरीर प्रतीक हेले एहिपरि भावरे आम मैंने यही प्रतीकात्मक अर्थ गुड़ाक आम मैंने बुझी थाउ। साधु पाउल प्रथम करंथियो दस छह से कहती जहाँ कि घटी जाए ताहा आम मानकर शिक्षा पाए ये सब घटना गुड़ाक घटी जाऊँगी आमर शिक्षा पाए। तेणु सबकि अर्थ रही जीशुं सहित संपृक्त होगापे जीशुं क्षेत्र में से गुड़ाक कौन जीशु ही हूँ प्रतीक प्रकृत प्रतीक हूँ जीशु ख्रीष्ट जहाँ कि घटी जाऊँगी तहार प्रकृत प्रतीक हूँ जीशु ख्रीष्ट। आ द्वितीय आम मैंने से पवित्र ग्रंथ को बुझापाई चेष्टा करमर नैतिकता जो प्रभु आम मानक दस आज्ञा देखते से ही दस आज्ञा हिसाब से आम मैंने नैतिकता आम देखि था कौन करवा उचित आँ करवा उचित से हीपरी भाव आम मैंने बुझी था जमी प्रभु जीशुख्रीष्ट कहते जदि तुमको किए जदि गोटे गाल चापुड़ा देला ताहले अन्य गाल ताहाकु देखे दियो माथियो पांच अड़चाश। आउ चतुर्थ आम मैंने से ही पवित्र ग्रंथ को बुझापाई चेष्टा कर आध्यात्मिक अर्थ रे अर्थात स्वर्गिक अर्थ रे स्वर्ग जमी तहार अर्थ से ही आध्यात्मिक अर्थ से ही पवित्र आत्मा अर्थ को नहीं आम मैंने बुझी था कारण से ही पवित्र आत्मा ही से ही पवित्र ग्रंथ गुड़िक लेखक से ही व्यक्ति मानक से प्रेरणा दे कि से ही लेखाटा को से लिखिश विभिन्न भाषा तेणु से विभिन्न भाषार अर्थ गुड़ाक बुझापाई पवित्र आत्मा ही आम मानक साय कर शेष में देखि था जे विचार समय प्रभु भल लोक मानक डाण पार्श्वे आ मंद लोक मानक बाम पार्श्व रखते माथि पचीस तेतीस मेष मानक डाण पाखे आउ छेली मानक बाम पाखे से रखती हेले अर्थ गुड़ाक से ही स्वर्गिक अर्थ गुड़ाक
বা আধ্যাত্মিক অর্থগুড়াক পবিত্র আত্মা হি আমার প্রেরণা দিয়ে থাকে। যদি আমি জেরুসালেম কু দেখিবা তাহলে আক্ষরিক অর্থরে জেরুসালেম হচ্ছে সহর, জেরুসালেম ইস্রায়েল সহর, ইস্রায়েল রাজধানী। সাম সঙ্গীত 122 লেখা যাই হচ্ছে প্রভুঙ্কর গৃহ, যে গৃহক সবু জাতি যাই প্রার্থনা করে পারিবে। আদ্বিতীয় অর্থরে যদি আমি দেখিবা, প্রতীকাত্মক প্রতীকাত্মক অর্থরে যদি আমি দেখিবা তাহলে এহা হচ্ছে প্রভু যীশু খ্রিস্টঙ্কর শরীর, যখন 2:19 আমরা পড়িলু। অর্থাৎ এহা হচ্ছে মণ্ডলী লোকমানঙ্কর সমাগম। তৃতীয় নৈতিকতা অর্থ, নৈতিক অর্থরে যদি আমি দেখিবা তাহলে ইয়ে হচ্ছে বিশ্বাসের আত্মা। প্রথম গ্রন্থ 6:19 বিশ্বাসের আত্মারে প্রভু বাস করতে। আদি চতুর্থরে যদি আমি যদি দেখিবা স্বর্গিক অর্থ বা আধ্যাত্মিক অর্থরে, তাহলে এই জেরুসালেম হচ্ছে স্বর্গরাজ্য, আমার প্রকৃত গৃহ, যেঠারে আমরা যাই অনন্ত কাল বাস করিপারিবা। আহি মন্দির হি হচ্ছে প্রভু নিজে, ঈশ্বর নিজে, মেষ শাবক নিজে। প্রকাশিত গ্রন্থ 21:22 হলে এইপরি ভাবে ধর্মগ্রন্থকু আমি বুঝি থাও, এইপরি ভাবে আমি ধর্মগ্রন্থকু ব্যাখ্যা করে থাও। ধর্মগ্রন্থর কৌশি ভাববাণী ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার বিষয় নুহে। দ্বিতীয় পিতর 1:20 পদরে সে কহতি, সেপাই কৌশি ধর্মগ্রন্থ কেবল ব্যক্তিগত জনক নুহে, এ সমস্ত মণ্ডলী লোক বিশ্বাসী মানুষ প্রভু তাহা প্রকাশ করেছেন। সেপাই আমি এই 4 অর্থরে তাহলে বুঝবাই চেষ্টা করা, আক্ষরিক অর্থ, প্রতিমাত্মক অর্থ, নৈতিক অর্থ এবং স্বর্গিক অর্থ বা আধ্যাত্মিক অর্থরে আমি বুঝি চেষ্টা করা। আভু আম সমস্ত সেই পবিত্র আত্মাঙ্ক দ্বারা আমি বুঝান্তু, যাহাদ্বারা কি আমি তাহলে সঠিক ভাবে বুঝবা আখ্যা করা আগে প্রকাশ করা। ধন্যবাদ।